बच्चों, हमारा इलास्टिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था और इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में हम जो है शायद पॉइजन्स रेशो तक कर चुके थे, है ना। तो आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, है ना। पॉइजन्स रेशो तक हम कर चुके थे। अब देखिए, हर मटेरियल, चाहे इस दुनिया का कोई सा भी मटेरियल हो, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? वाई एंड यंग्स मॉडुलस, ईटा माने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बी माने बल्क मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी एंड सिग्मा, ये चार प्रॉपर्टी मटेरियल में पाई जाती है ना। और इन चारों प्रॉपर्टीज को मिला करके कहते हैं इलास्टिक कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो दीज फोर आर कॉल्ड इलास्टिक कोऑर्डिनेट्स। दीज फोर आर कॉल्ड इलास्टिक कोऑर्डिनेट्स। ये चारों को इलास्टिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और इन चारों का रिलेशनशिप है, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इनका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है ना। आपके सिलेबस की जो ज्यादातर बातें हैं वो हम कल तक पढ़ा चुके हैं, उसी में से स्कूल वाले ज्यादातर चीजें पूछेंगे, राइट। लेकिन ये सब चीजें कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। तो आपका ये जो है ना, दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे। कई बुक्स में उन्होंने चार फॉर्मूले दे रखे हैं, बहुत सारी बुक्स में चार फॉर्मूले दे रखे हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं, आपको केवल ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है वाई इक्वल टू ट्वाइस ईटा वन प्लस सिग्मा। वाई इक्वल टू ट्वाइस ईटा वन प्लस सिग्मा। दूसरा फॉर्मूला है वाई इक्वल टू थ्राइस बी वन माइनस टू सिग्मा। बस ये दोनों फॉर्मूलों की आवश्यकता आपको कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ेगी, स्कूल वालों में तो जरूरत पड़नी नहीं है, राइट। तो स्कूल में जो आपके पूछा जाएगा वो तो सब हम कल तक कर चुके थे, है ना। अब देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी, आप ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, बार 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 बार। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, इनको याद भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग है ना मेरी डीपीपी कंप्लीट करेंगे ना, आपको उसी के अंदर याद हो जाएंगे, क्योंकि तो दो चार पाँच सवाल आएंगे वो याद हो जाएंगे, है राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, किसी चीज़ को बार बार ठोके जाओ, पीटे जाओ बार 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 बार, तो उसकी इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगी, इसे इलास्टिक फैटिक कहते हैं, आपको मैंने कल बताया था, है ना। बार बार आप हैमरिंग करेंगे तो जो है नहीं, जैसे हैमरिंग करने से तो क्या होगा कि इलास्टिसिटी बढ़ेगी, वो मजबूत होगा, उसके जो है ना मॉलिकुलर जो है डिस्टेंसेज कम हो जाएंगी हैमरिंग करोगे तो। एनीलिंग करने से इलास्टिसिटी कम होगी। एनिलिंग क्या होती है? हीटिंग करो फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो फिर ठंडा करो, दैट इज एनिलिंग, है ना। किसी चीज को हैमरिंग करोगे ना तो उससे इलास्टिसिटी बढ़ती है। हैमरिंग में तो क्या होता है कि जैसे आप हैमर मारते हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का गैप कम होता है, तो इट कॉजेज इलास्टिसिटी टू इंक्रीज। लेकिन जो इसे गर्म किया फिर ठंडा किया फिर गर्म किया फिर ठंडा किया, इसको एनिलिंग कहते हैं, इससे इलास्टिसिटी कमजोर होती है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इसे थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब ये थर्मल स्ट्रेस जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, और कई बार कभी कभी जो है ना स्कूल टीचर भी पूछ लेते हैं, वैसे बहुत कम पूछते हैं लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि इजी चीज है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसलिए पूछ लेते हैं। अब देखिए, थर्मल स्ट्रेस, जैसे अगर ये मान लो अपने पास में एक रॉड है, मान लो अब इस रॉड की सपोज लेंथ एल है, इसका यंग्स मॉडुलस वाई है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, क्रॉस सेक्शन ए है। अब अगर इसको गर्म किया जाए, इफ सपोज हमने एक हीटर जला करके इसको गर्म किया, स्टोव जला करके गर्म कर दिया इसको, गर्म करने से क्या ये रॉड फैलेगी? रॉड फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। अगर हम इसके फैलने के दोनों साइड में बाउंड्री लगा रहे कि नहीं साहब इसको फैलने की इजाजत नहीं, हमने इसकी फैलने की इजाजत नहीं दी,
यानी गर्म तो करेंगे लेकिन इजाजत नहीं देंगे फैलने की। अब देखो क्या होने वाला है, ये बहुत नेचुरल है, वेरी नेचुरल प्रोसेस है कि अगर कोई चीज नेचुरली एक्सपेंड होना चाहिए और आप उसमें इजाजत नहीं दे रहे तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। वो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो थर्मल स्ट्रेस कहलाती है। ध्यान से बात को समझिए, अगर मान लो एक रॉड है जिसको आप गर्म कर रहे हैं, जम के गर्म करो और फैलने की पूरी छूट है कि हाँ साहब फैलो, तो गर्म कर दो रॉड फैलेगी, फैलेगी तो नो थर्मल स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, क्योंकि इसमें क्या है उसको जितना फैलना है उसकी जो है परमिशन मिली हुई है, आपने कंस्टेंट लगाया ही। लेकिन अगर आप इसमें कंस्टेंट लगा देंगे फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो देखो, इफ अ रॉड इज हीटेड टू टेम्परेचर टी फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, इफ अ रॉड इज हीटेड, इफ अ रॉड इज हीटेड टू टेम्परेचर टी, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से आपने किसी को टी टेम्परेचर तक हीट अप किया, तो अब देखिए क्या होने वाला है। आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था LT=L01+α, ये आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। अल्फा क्या था? थर्मल कॉफिशियंट, लॉन्गिट्यूडनल कॉफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा था, और टी आपका टेम्परेचर है। तो देखिए LT=L0+L0α, इसको मैं कहूंगा LT-L0=L0α। आप ध्यान दीजिए LT-L0 इट इज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इट इज अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, राइट। और बेटर है कि इसको हम इस कंडीशन में थर्मल स्ट्रेन बोले, थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण स्ट्रेन आने वाला है। लेकिन हमने इसको रोक दिया, दोनों तरफ रिजिड दीवार लगा करके हमने इस बात को रोक दिया। अब जब हम इसको रोक चुके हैं तो यहां स्ट्रेस आएगा। मैं बताता हूं वाई इक्वल टू क्या होता है साहब, y इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को आपका थर्मल स्ट्रेस बोल दो उसको, है ना, बिकॉज दिस स्ट्रेस विल कम बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, है ना। तो मैं इसको y को बोलूंगा y इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, ये हमने वाई को बोला है। तो अब नेचुरल है, इट इज वेरी मच नेचुरल, मतलब कि आपका जो है ना थर्मल स्ट्रेन जो है वो आ गया है, वो थर्मल स्ट्रेस आ गया है। देखिए थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस आ गया है आपका वाई इंटू थर्मल स्ट्रेन यानी कि अल्फा टी, इसी का नाम थर्मल स्ट्रेस है। अब देखिए थर्मल स्ट्रेस को अगर मैं ऐसे कहूं थर्मल स्ट्रेस, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये रॉड आप गर्म कर रहे थे, इस रॉड को बेचारे रॉड को जब आप गर्म कर रहे थे तो गर्म करने के कारण रॉड फैलना चाहती है लेकिन आपने अवरोध लगा दिया, फैलने नहीं दिया, तो बेचारी रॉड के अंदर ही अंदर जो है ना स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्ट्रेस उसी का नाम है कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं करने दिया जाता तो स्ट्रेस क्रिएट होता है। हाँ, तो आपके माइंड में भी स्ट्रेस आता है कि जो करना चाहते हो वो नहीं करने दिया जा रहा, मम्मी पापा अच्छा काम करवाना चाहते हैं आपसे, आप मस्ती मारना चाहते हैं, तो स्ट्रेस आ जाता है। मम्मी कुछ कह देती है, स्ट्रेस आ जाता है। पिताजी कुछ कह देते हैं, स्ट्रेस आ जाता है। जबकि मम्मी पापा क्या करते हैं, अच्छी बातें कहते हैं, अपने बच्चों से अच्छा ही चाहते हैं। कोई माँ बाप इस दुनिया का अपने बच्चों से कुछ मतलब जो है ना गलत नहीं चाहता, फोर्स अपॉन इंडिया कहते हैं।
आपका थर्मल स्ट्रेस है, देखिए वाई अल्फा पी तो आपका क्या है, थर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। लेकिन एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा पी, इट इज फोर्स डेवलप्ड, डेवलप्ड फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू थर्मल हीटिंग, है ना, थर्मल स्ट्रेस, फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, वो डेवलप हो जाता है फोर्स। तो ये आपका जो है ना टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेस की बात हो गई। अब देखिए थर्मल स्ट्रेस के बाद में हम बात करेंगे टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर। देखिए टॉर्शन ऑफ अ सिलेंडर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और पहले मैंने आपको पता नहीं आता था एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ सियर दोनों में रिलेशनशिप बताया था। मैंने आपको जो रिलेशनशिप बताया था एंगल ऑफ सियर और एंगल ऑफ ट्विस्ट में, आपको मैं याद दिला देता हूँ यहाँ पे, इसी का नाम टॉर्शन है ना। टॉर्शन हमने आपको रिलेशन बताया था थीटा इंटू आर इक्वल टू फाई इंटू एल, ये रिलेशन बताया था। अब हम यहां बात कर रहे हैं टॉर्क की, कि किसी चीज को जब ऐंठते हैं पकड़ करके टॉर्स किया जाता है, तो टॉर्शन में टॉर्क आता है, उस टॉर्क की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ टॉर्शन, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, तो ट्विस्टिंग एंगल जितना ज्यादा होगा टॉर्शनल टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो फॉर बिग एंगल ऑफ टॉर्शन टॉर्शनल टॉर्क विल बी बिग, है ना। तो देखिए इफ थीटा मोर टॉर्क इज मोर, निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। इस टॉर्क को हम कहते हैं सी थीटा, सी को हम कहते हैं, सी को हम कहते हैं टो अपॉन थीटा। इसको पता है हम क्या कहते हैं, सी का नाम क्या है, सी का नाम है टॉर्शनल कोफिशिएंट। सी का नाम क्या है, टॉर्शनल कोफिशिएंट, टॉर्शनल कोफिशिएंट। हाँ जी बिल्कुल, इट इज लाइक अ स्प्रिंग, जैसे आपकी स्प्रिंग होती थी, तो स्प्रिंग में क्या होता था आपकी एफ इक्वल टू के एक्स होता था, तो आपकी एनर्जी क्या होती थी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है। तो वर्क और एनर्जी, वर्क डन फॉर ट्विस्टिंग थ्रू, वर्क डन फॉर ट्विस्टिंग थ्रू एंगल थीटा, एंगल थीटा इट इज इक्वल टू वर्क, इट इज इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर, एंड दिस इज एक्चुअली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन रॉड, स्टोर्ड इन रॉड, रॉड विच इज बीइंग ट्विस्टेड, एक्चुअली इतना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हमेशा एनर्जी होती है, वर्क डन हमेशा एनर्जी ही होती है। अब देखिए मैं आपको दो तीन बातें जो है ना और बता दूं, है ना, उसके बाद में फिर हम यार बस ये चैप्टर एंड हो गया। तो इसमें देखिए बल्क मॉडल्स ऑफ गैस, बल्क मॉडल्स ऑफ गैस मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया था, थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल, थर्मिक मॉडुलस, एडियाबेटिक मॉडुलस, ये सब आपको बताया था, है ना। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बताई थी आपको बल्क मॉडुलस ऑफ गैस की, पी बताई थी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी आपको बताई थी गामा पी, इसका फॉर्मूला भी वही है जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, राइट। चलिए तो हम अभी इसको जो है ना वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग द वायर और इलास्टिक एनर्जी, ये सब बातें हम अभी करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बल्क मॉडल्स ऑफ गैस की बातें हम कर चुके थे, वहां हमने चार तरह की इलास्टिसिटी की बात की थी, आइसोबैरिक की बात की थी, आइसोकोरिक की भी की थी, यहां हम दो ही तरह की बातें करेंगे। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी फॉर द गैसेज इज इक्वल टू पी, है ना, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी फॉर द गैसेज इज गामा पी। एक्चुअल में फंडामेंटल डेफिनेशन वही है, क्या है डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडल्स ऑफ गैसेज, बल्क
फोर गैसें आ जाए। देखिए बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो आप लोग वहां ले रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या हम माइनस डेल्टा पी लिखते थे इसको और डेल्टा वी अपॉन वी, बिल्कुल यही डेफिनेशन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना। इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस तो लगाना ही लगाना पड़ेगा है ना, माइनस तो लगाना ही है, डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। तो ये आपका बल्क मॉडुलस है। जैसे देखिए आइसोथर्मिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, आइसोथर्मिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस मैं प्रूव करके बता रहा हूं है ना, ये एक्चुअल में इससे क्या आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ ऐसे आता है आइसोथर्मिक बल्क मॉडुलस। देखिए कैसे होता है, आइसोथर्मिक की जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयलर्स लॉ लगे तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू जीरो, तो आप जरा उधर ले जाइए पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी आप चेक करिए। तो देखिए अल्टीमेटली हमारे पास में एक चीज आती है कि dp अपॉन dv अपॉन v और माइनस साथ में आ जाता है और ये बराबर p के आता है। तो इसलिए आइसोथर्मिक बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मिक, आइसोथर्मिक थर्मिक ये आ जाता है माइनस dp अपॉन dv अपॉन v एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू p प्रेशर। नंबर टू आएगा ये एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। अब इसमें पता क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, वही कंसेप्ट तो वही है, आप चाहे तो कर सकते हो डिफरेंशिएशन। और पता है क्या करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएशन के बाद में आपके पास जो आने वाला है बी एडियाबेटिक, बी एडियाबेटिक, एडियाबेटिक ये आपके पास में आएगा माइनस डीवी अपॉन डीवी अपॉन वी आ जाएगा एंड दिस वी दिस बिकम गामा टाइम्स पी, दिस बिकम गामा टाइम्स पी ये आएगा। अच्छा आइसोबारिक अगर मान लो बात करें, और आइसोबारिक करें वैसे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है फिर भी कर देते हैं, आइसोबारिक बल्क मॉडुलस, आइसोबारिक इलास्टिसिटी बोल दो, इलास्टिक कोफिशिएंट बोल दो, कुछ भी बोल दो जी। तो ये जीरो आएगा, पूछिए कैसे, फंडामेंटल डेफिनेशन बल्क मॉडुलस की है। अब आपका आइसोबारिक है तो भैया डीपी तो जीरो ही है हमारा, आइसोबारिक माने प्रेशर कॉन्स्टेंट, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डीपी जीरो है तो इसलिए वो जीरो आएगा। इसी तरीके से आइसोकॉलिक, आइसोकॉलिक की आइसोमेट्रिक इलास्टिसिटी, तो इट इज वेरी नेचुरल दैट इट विल बी इंफिनिटी। आप देखिए क्योंकि डीवी जीरो है तो इंफिनिटी आएगा। ये चीजें आपको केवल जो है ना मतलब कंपटीशन पर्पस से है, कंपटीशन में ये चीजें पूछी जाती हैं, पूछी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन और इलास्टिक एनर्जी। एक ही बात होती है, चलो वर्क डन ही एनर्जी होता है हमेशा, वर्क डन और इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क डन और इलास्टिक एनर्जी। हमेशा ये आप मान करके चलिए कि आपका जो वर्क डन आएगा वो आएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखिए वर्क और एनर्जी इलास्टिक एनर्जी एक ही बात है ना, तो मैं इसको बोलूंगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो वन बाय टू, स्ट्रेस को मैं बोलूंगा कैपिटल एस, स्ट्रेन को बोलूंगा स्मॉल एस, वॉल्यूम को मैं बोलूंगा वी। ये आपका वर्क डन होता है और इसी का नाम इलास्टिक एनर्जी है, इसी का नाम इलास्टिक एनर्जी है। आप इसको जो है ना मतलब ये बहुत ही काम की चीज है। अब आप इसको लिखना चाहेंगे तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं,
स्ट्रेस को मैं लिख दूंगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को मैं क्या लिख दूंगा, स्ट्रेन को मैं लिख दूंगा डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूम को क्या लिख दूंगा ए इंटू एल। देखो कितनी जुगलबंदी बात है, हाफ स्ट्रेस को क्या लिख दिया एम अपॉन ए, स्ट्रेन को क्या लिख दिया डेल्टा एल अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूम क्या लिख दिया ए इंटू एल। अब आपका क्या आया बताओ, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। आप देखेंगे कि ये तो वही चीज है, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, एफ इंटू डेल्टा एल। अब यहां पे हाफ लगाया यानी एवरेज लिया, एवरेज इसलिए लिया है कि फोर्स धीरे धीरे बढ़ता है, इलास्टिक फोर्स कभी भी एक साथ नहीं बढ़ता है ना, इलास्टिक फोर्स एक साथ नहीं बढ़ता है कभी भी। देखो एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में आपका वर्क क्या होता था, आपका वर्क क्या होता था, आपका वर्क होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, और इस हाफ के एक्स को आप क्या लिखते थे, हाफ के एक्स इंटू एक्स, इसको लिखते थे हाफ एफ एक्स। अब देखो वर्क आप एफ इंटू एक्स भी तो कहते थे, ये हाफ क्यों किया गया, हाफ पता है क्यों किया गया, क्योंकि किसी भी स्प्रिंग में फोर्स जो लगता है वो धीरे धीरे लगता है, जैसे आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा बढ़ाया तो फोर्स थोड़ा सा लगेगा, फिर थोड़ा और बढ़ाया और फोर्स लगेगा, और खींचा और फोर्स लगेगा, और खींचा और फोर्स लगेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते जाओगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमने एवरेज फोर्स लिया है, एवरेज फोर्स लिया। यहां भी ऐसा ही हुआ कि जब आपने किसी तार को खींचना शुरू किया तो शुरू में आपने थोड़ा कम खींचा तो फोर्स कम लगा, और खींचा तो और लगा, और कम खींचा और खींचा और, इस तरह से फोर्स बढ़ता गया, इसलिए उसका एवरेज आया है। फंडामेंटली यही चीज है, ठीक है। चलिए अब जब आपके पास में ये एनर्जी आ गई तो नेचुरल है कि एनर्जी डेंसिटी भी आ जाएगी, है ना, एनर्जी डेंसिटी तो वॉल्यूम के बराबर आएगी ना, मतलब वॉल्यूम का भाग लगा दो। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसको चलो एनर्जी डेंसिटी अच्छे से बोल लेता और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है यू अपॉन वी, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये आएगा, इसको मैं कह दूंगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बस इतना ही काफी है, यही एनर्जी डेंसिटी है, यही आपकी एनर्जी डेंसिटी है। अब देखिए यहां पे ये दो चीजें दे रखी हैं, इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, वायर के अपने वेट के कारण कितना इंक्रीमेंट आएगा। ये चीज जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, वायर के अपने खुद के वेट के कारण इंक्रीमेंट कितना आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और वैसे तो खैर पता नहीं, मतलब मैंने देखा था पिछली बार, पिछले साल रुड़की में स्कूल का नाम तो मुझे याद नहीं है, स्कूल का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछ लिया था, तो पूछ लिया था, तो आप समझिए, है ना। हाँ तो देखिए लेंथ के मैं इंक्रीमेंट करूंगा कितना, अपने अपने वायर के, अपने वेट के, मान लीजिए ये एक आपका वायर है और इस वायर का क्रॉस सेक्शन ए है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, है ना, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लंबाई एल है, लंबाई एल है, करेक्ट। तो टोटल लंबाई एल है, टोटल मास एम है, एम टोटल मास, जब टोटल मास m है और टोटल लंबाई l है तो जरा लीनियर मास डेंसिटी बताओ, लीनियर मास डेंसिटी बताओ, लीनियर मास डेंसिटी होती है m अपॉन l लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी होती है m अपॉन l। अब जो ये m अपॉन l होती है लीनियर मास डेंसिटी, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, अब लंबाई बढ़नी है तो मास के कारण बढ़नी है, तो हम ऐसा करते हैं कि नीचे से किसी y हाइट पर छोटा सा पीस ले लेते हैं, ये इट इज डी वाई लेंथ, नीचे से हमने वाई हाइट पर एक पीस ले लिया, वाई हाइट पर एक पीस ले लिया, अब ये डी वाई है, तो इस डी वाई के अंदर आने वाला चेंज निकालेंगे हम वाई के कारण, है ना। तो आप देखिए कंसिडरेशन में क्या आ रहा है, कंसिडरेशन में एक केवल वाई हिस्सा कि इस y ने जो लटका है
वो इस छोटे से dy के अंदर छोटा सा चेंज क्रिएट करेगा, छोटे से dy में छोटा सा चेंज क्रिएट करेगा। करें ये y लेंथ है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके वहां तक y लेंथ है, करेक्ट। तो अब देखिए इसका मास बताइए y लेंथ का, तो मास m, स्मॉल m इज मास ऑफ y लेंथ। चेक कर लो मास ऑफ y लेंथ कितना है, नेचुरल है कैपिटल m अपॉन l, पूरी लंबाई कैपिटल l, हां इनटू y आएगा। तो इसका वेट भी होगा, निश्चित रूप से इसका वेट भी होगा। अब हमें इस dy के अंदर चेंज निकालना है, पूरा चेंज नहीं निकालना है, हम केवल dy का चेंज। तो देखिए dy के अंदर जो चेंज आएगा इसको हम कह सकते हैं dy में चेंज को dx कहते हैं, है ना। dx इज स्मॉल चेंज इन स्मॉल पीस, स्मॉल चेंज इन स्मॉल पीस ऑफ लेंथ dy dy ड्यू टू d हैंगिंग लेंथ y, हैंगिंग लेंथ y बिलो इट। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए, देखो जी ये क्या है रस, ये रॉड तो बहुत पूरी है, हमें पूरी रॉड का टोटल लेंथ पता करनी, टोटल इंक्रीमेंट पता करना है बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। तो हमने ये क्या किया, आर्बिट्रेरी एक पॉइंट हमने पकड़ लिया dy और ये y डिस्टेंस पर, तो हमने इसका मास निकाल दिया पूरा, है ना। तो इसका मतलब वेट कितना आएगा, mg आएगा। अब हमें इसके अंदर से जो चेंज आ रहा है ना dy का वो निकालना है, तो उसको हमने dx मान लिया। अब देखिए आपका y का कांसेप्ट क्या है, y इज यंग्स मॉडुलस, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या है जी, स्ट्रेस है mg अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस है। स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन है dx अपॉन dy, ये आपका स्ट्रेन है, करेक्ट। अब जरा आप जो है ना dx को इधर ले जाओ, dy को उधर रहने दो, है ना। तो मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ, आप मेरे लिखने के तरीके को देखना जरा। स्मॉल m को मैं कैपिटल m अपॉन l इंटू y लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा चेक करिएगा, मैं लिख रहा हूँ अपने तरीके से। स्मॉल m लिख दिया मैंने, g भी लिख दूँ, हाँ g भी लिख देता हूँ, और a भी लिख ही देता हूँ, a भी लिख देता हूँ, और dy अपॉन dx लिख देता हूँ। देखिए dy ऊपर जाएगा, dx नीचे जाएगा, मैं dx को इधर ले आता हूँ बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन dx, तो मैं dx को इधर ले गया, है ना। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो मैं dx को इधर ले गया। तो आप जरा चेक करना, कैपिटल एम जी अपॉन एल ए इंटू वाई डी वाई, ये है असली बात। अब मैं इस dx को इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, एम जी अपॉन एल ए तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। इसको मैं जीरो से लेके कैपिटल एल तक इंटीग्रेट करूंगा, जीरो यहां है कैपिटल एल यहां है, समझ गए, जीरो से कैपिटल एल तक पूरा इंटीग्रेशन। अंडर रूट डेल्टा एक्स को मैं कहूंगा डेल्टा एल, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, यस। इंटीग्रेशन डीएक्स इज एक्चुअल में चेंज इन लेंथ आएगा, टोटल चेंज इन लेंथ, है ना। अब चलो एम जी अपॉन एल ए, इसको जरा वाई स्क्वायर अपॉन टू लिखना, है ना, y dy y स्क्वायर अपॉन 2 लिख दे, लिमिट लगा दे 0 से कैपिटल L तक, 3 l स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, आप समझ गए सब, है ना। बस ये डेल्टा L है, ये डेल्टा L है, इट इज इक्वल टू व्हाट, m g l अपॉन 2 a, कैपिटल m g l अपॉन 2 a आ गया, राइट। अब आप कैपिटल m को क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कह सकते हैं, कैपिटल एम को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कह सकते हैं ना। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है ए एल, ए एल डेंसिटी रो जी एल अपॉन टू ए। अच्छा वाई का रह गया ये हमारा कैपिटल वाई, ओहो देखो यहां से कैपिटल वाई आएगा ना यहाँ पे, हाँ ये कैपिटल वाई यंग्स मॉडुलस से डिफाइन किया था मैंने, कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई आएगा
कैपिटल वाई आएगा तो डेल्टा आ गया, डेल्टा आ गया हाफ ए क्वार्टर, एल जिंदा बचेगा है रो जी कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन वाई, चेक करो ये आपका डेल्टा एल आ गया है ना। हाँ तो ये डेल्टा एल आ चुका है आपके, ये जो है ना पिछली बार किसी स्कूल के अंदर पूछ लिया था, एक बार जो है मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ क्लियरली, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह काफी है, देखिए इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा डेल्टा एल, वैसे तो खैर आपके उसमें लिखा हुआ है, तो ये हाफ रो जी कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन वाई, ये आपका एक्सटेंशन आ रहा है। इसके बाद में एक फॉर्मूला दे रखा है, टोटल इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ हैंगिंग बार और सिलिंड्रिकल सिलेंडर, ये तो नहीं पूछेंगे निश्चित ही आपके स्कूल वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी और काफ़ी कुछ इसके अंदर है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, ये आपको याद जरूर रखना है, कॉम्पिटिशन में जरूर आता है भाई साहब, कॉम्पिटिशन में ये जरूर आता है, ये ध्यान रखिएगा, आप छोड़ नहीं सकते। आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं अभी डेराइव नहीं कर रहा इसको, अगर आप लोग चाहेंगे तो जूम सेशन में बोल देना, हम डेराइव कर देंगे, ठीक है ना। हाँ मतलब डेराइव करना है तो कर देंगे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये आपकी स्कूल वाले तो निश्चित ही नहीं पूछेंगे, कॉम्पिटिशन में जरूरत नहीं पड़ती डेराइव करने की, है ना। फिर भी आपके शायद हो सकता है वहाँ पे डीपीपी वगैरह में इसके क्वेश्चन बना दिए गए हों, क्वेश्चन कैसे बना दिए जाते हैं, एक बड़ी सी चीज़ होती है, बहुत बड़ा स्टेप, उसके अंदर छः क्वेश्चन पांच क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, फिर वो पांच क्वेश्चन सॉल्व करने तक जो है ना वो छठे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऐसा होता है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी का चैप्टर आपका इसी के साथ समाप्त हो जाता है, हमारा अगला टॉपिक होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपका अगला लेक्चर आएगा, प्लीज देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना कर चुके हैं, जैसे मैंने प्रेशर वगैरह तो बता ही दिया लगभग, आर्किमिडीज लॉ को मैंने प्रूव भी करवाया था शायद आपके, वो तो जूम सेशन में करवाया, चलो दोबारा करवाएंगे कंप्लीट, राइट, है ना। फिलहाल आप इलास्टिसिटी को आप करना चालू कर दो, डीपीपी वगैरह आपके पास आ चुकी है, पढ़ लीजिए पूरा, नोट्स पूरे बनाइए, कंप्लीट नोट्स बना करके, और फिर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है।